Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest up. ऊपर कौन बैठा है? सबसे पहले शहबाज शरीफ. अब ये सुने जरा इसका. 24 अरब रुपए के इसके ऊपर केसेस हैं. 24 अरब रुपए के केसेस इसके ऊपर. और अब क्या हो रहा है? इसको एनआरओ मिल रहा है. एफआईए जो इसके ऊपर, जिसने उसके ऊपर केस बनाए थे, अब एफआईए सारे केस खत्म कर रही है. आसिफ जरदारी जिसके ऊपर अरबों रुपए के केसेस नैब में, आसिफ जरदारी कहता है कि नैब में मैं इस्लाहात करूंगा. पाकिस्तानियों, ये है कयामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है. अब सोचें कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा था, आज वो ऊपर बैठ के सबसे पहली चीज कर रहे हैं, अपने केस खत्म कर रहे हैं. जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कातिल है, 18 कत्ल किए हुए हैं. वो जो अभी गए हैं लंदन में मिलने गए हैं नवाज शरीफ को, वो सजा याफ्ता है, उसको सजा मिल चुकी है. वो भगौड़ा है, भागा हुआ है. उससे प्राइम मिनिस्टर जाके मुल्क के फैसले कर रहा है. और जो उसकी बेटी है नवाज शरीफ की, वो भी सजा याफ्ता है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर का. उसके पीछे रेंजर्स और पुलिस फिर रही है, जिसको सजा दे चुका है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और वो बेल पे है, जमानत पे है. तो अटक मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तब तबाह होती है जब जेलों में सिर्फ छोटे चोर हो, सिर्फ भैंस चोर और मोटरसाइकिल चोर और छोटे चोर जब जेलों में जाते हैं और बड़े बड़े डाकू को आप नहीं पकड़ते, वो मुल्क तबाह हो जाता है. ये आपके सामने मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है. इसलिए आपने निकलना है कि जब बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ओहदों पे बैठ जाए, सारों ने बड़े बड़े ओहदे संभाल के अपने केस खत्म करें. और वो ऑफिसर एफआईए का, डॉक्टर रिजवान, मैं आज उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने जो केस शहबाज शरीफ के ऊपर बनाए. हमारे बेचारे गवर्नमेंट के ऑफिसर डरते हैं, इस माफिया से डरते हैं. कितने लोग हैं जो इन्होंने मरवाए हैं. डॉक्टर रिजवान जब उसने हमजा शरीफ को बुलाया और उससे जब सवालात पूछे कि किधर से ये मकसूद चपड़ासी के पास 4.25 अरब रुपए आ गया, नौकरों के पास 16 अरब रुपए किधर से आए, तो हमजा शरीफ बजाय उसके जवाब देता, उसको उसने धमकी दी, उसको डराया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि मुझे पूछ रहे हो ये सवाल. लोग डरते हैं इनसे. इसलिए डॉक्टर रिजवान, आप जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं कि इस माफिया के, इसके बावजूद कि आपको खतरा है, आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं. कितने लोग इन्होंने मरवाए. एआन अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया. वो जो शहनशाह था जिसने बेनजीर के साथ होता था जब वो कत्ल हुई, उसको मरवा दिया. एक जस्टिस सजाद था जरदारी ने, उसको मरवा दिया. जो जो इनके केसेस के पीछे जाता है उनको जान का खतरा होता है. तो अगर मेरे पाकिस्तानियों ये कामयाब हो जाते हैं, हमारे मुल्क तबाही की तरफ जाता है, हमारे इदारे तबाह, कोई नहीं खड़ा होगा इनके खिलाफ. ये खुल के चोरी करेंगे, सब डरेंगे, मुल्क को लूटेंगे. और इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती थी और बड़े बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकती थी. ये है हमारे तबाही का रास्ता. और इसलिए
मेरे अटक के लोगों और मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूंगा 20 तारीख के बाद, आपने सबने निकलना है और आपने किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए आपको। नौजवानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया था आपको मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं, और से सुने। वो मदीना के लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी ने क्या किया था कि वो दुनिया की इमामत करने लग गए, थोड़ी देर में अजीम लोग बन गए। मदीना के लोगों की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी, उनके खौफ खत्म कर दिए। खौफ की जंजीर जो इंसान को ऊपर नहीं आने देती, उसकी परवाज ऊपर नहीं जाती, डरे हुए लोग कभी आजाद नहीं होते। जब उन्होंने उनकी खौफ की जंजीरें तोड़ी, वो लोग अजीम लोग बन गए। आपके सबको समझना चाहिए कि ये जो आप आजादी की, हमारी हकीकी आजादी की जो हमारी तहरीक है, अपने खौफ खत्म कर दें। तीन ही खौफ होते हैं इंसान को, मौत इंसान को सबसे बड़ा खौफ होता है कि मुझे मार ना दें। अल्लाह का हुक्म है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। दूसरा खौफ कि मुझे जलील ना कर दें, अल्लाह ने कहा कि इज्जत जलत मेरे हाथ में है। और तीसरी रिस्क, मेरी नौकरी ना चली जाए, मुझे नौकरी से ना निकाल दें, अल्लाह ने कहा हुआ है कि रिस्क मेरे हाथ में है। तो डर किस चीज का, किस चीज का डर है आपको? इसलिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है और मैंने इंशाल्लाह जब मैं आपको कॉल दूंगा, हम कभी इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे, हम ये हमारी तहरीक जारी रहेगी, कोई पीछे नहीं हटेगा। सारी कौम को मैं आज दावत दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ को नहीं दावत दे रहा, अपनी कौम को दावत दे रहा हूं, पाकिस्तानियों को दावत दे रहा हूं, सारे अपने लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, फैमिलीज को, अपने सरकारी नौकर, अगर वो डरते हैं नौकरियां चली ना जाएं तो अपनी फैमिलीज को भेजना, हमारे पुलिस वाले, हमारे फौजी अपनी फैमिलीज भेजें, क्योंकि ये पाकिस्तान की आजादी की जंग है, ये मेरी जंग नहीं है, ये हमारी आजादी की जंग है। दो किस्म की, ना हम किसी दूसरे बाहर के मुल्क की गुलामी करना चाहते हैं और ना ही हम इन चोरों की गुलामी करना चाहते हैं। दो किस्म की हमारी जंग होगी, बाहर की जो साजिश इस मुल्क में अपने पुतले रखने के लिए, उससे हमने आजाद होना है, और ये जो चोर और डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, इनसे आजाद होना है। अटक के लोगों, आप तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप सबको मैं मिलूंगा इस्लामाबाद में। जो इस्लामाबाद नहीं आ रहा है वो अटक में निकलेंगे, लेकिन निकलना हर पाकिस्तान के शहरी ने है। और ये मेरा पैगाम सबको है कि जो भी कोशिश करेंगे आप, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा, ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। अटक के लोगों, आज जिस तादाद में आप निकले हो और जो मेजर साहब आपको, अमीन असलम आपको और जुल्फी बुखारी आपको सबको और जितने भी उन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। सिर्फ आपने ग्राउंड बोर्ड थोड़ा और पीछे करते तो और लोग आ सकते थे, बाहर भी इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन आज मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। और इंशाल्लाह
आपकी और मेरी अब मुलाकात इस्लामाबाद में होगी. पाकिस्तान जिंदाबाद. Channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.